नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मित्रों इस वीडियो के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों अगर आपने भौतिक प्रदेश टॉपिक नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो भी एक बार इन 75 प्रश्नों को आपने देख लिया तो एग्जाम के बाहर इनसे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी के साथ हर एक क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है? बहुत अच्छा, तो ऑप्शन एक सही रहेगा आपका। देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय 69 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वहां से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है दोस्तों? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो यहां पे आपका ऑप्शन एक है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपनी जो वर्तमान स्थिति है इसके अंदर अस्तित्व में आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है, अरावली है उसका दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी अरावली की माउंट आबू के निकट है गुरु शिखर दोस्तों, लेकिन दूसरा है उसका शेर, कौन सा है दोस्तों? शेर है दोस्तों, ऑप्शन दो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी से हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है आपकी गुरु शिखर, ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के पठारी भाग को कहा जाता है? जो बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया है उनके मध्य जो पठारी भाग है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊपरमाल का पठार, ऑप्शन तीन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, दक्षिण भाग में माही मैदान को कहा जाता है? दक्षिण के अंदर जो माही का मैदान है उसको क्या कहा जाता है? छप्पन का बेसिन के नाम से माही के मैदान को जाना जाता है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आएगा कि छप्पन के मैदान कहां कहां विस्तृत है, हमारे आगे क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, 342,239। बात की जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 10.41%। इंपॉर्टेंट है चीज ये दोस्तों, और लगभग के अंदर आपको 10 भी मिल सकता है और लगभग में 11% भी मिल सकता है, तो ध्यान से देख ले इसको। राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार, विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है दोस्तों, जिसको हम पतंगाकार भी बोल सकते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट कि राजस्थान की आकृति को पतंगाकार किसने बताया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामो में राजस्थान में आ चुका है ये। राजस्थान की आकृति को पतंगाकार किसने बताया था? टी एच हेंडले ने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार बताया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? कोणा गांव। अब बात की जाती है कि कोणा गांव है वो कौन से जिले में स्थित है? तो श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर के अंदर कोणा गांव
स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव दोस्तों। कौन सा है? बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले के अंदर बोरकुंड गांव स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव दोस्तों। और कटरा गांव कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? बात किसकी हो रही है? पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु है दोस्तों सिलान गांव। कौन सा है दोस्तों? सिलान गांव, जो किसमें स्थित है? कौन से जिले में? धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, करक रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? जो करक रेखा है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है मित्रों? दो जिलों से। अब दो जिले है कौन कौन से दोस्तों? ये है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो बता दूं आपको। राजस्थान का वह जिला जो करक रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, कौन सा जिला है मित्रों? करक रेखा से सर्वाधिक दूरी पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? श्रीगंगानगर, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, किलोमीटर में पूछिए दोस्तों, 869 किलोमीटर। ऑप्शन तीन नंबर आपका यहां पे सही रहेगा। तो यहां पे बात कर लेते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई आ गई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना इस चीज को भी। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो आया था कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उनमें अंतर कितना है? तो कितना है इनमें अंतर? इन 869 में से अगर 826 को हम निकालेंगे तो 43 किलोमीटर आएगा, 43 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले पर आती है? जो सूर्य की किरणें हैं वो सर्वाधिक किस जिले पर सीधी गिरती है? बांसवाड़ा जिले पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सूर्य की सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पर है, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ेगी? तो सबसे दूर कौन सा है करक रेखा से? कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। तो गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 है, उसमें से बात करें हम तो कितनी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कितनी है जो अंतर्राज्य सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर है दोस्तों, और अंतरराज्य की बात करें तो 4850 है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 5920 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको रेड क्लिप लाइन के नाम से, जो किस देश के साथ लगती है मित्रों? पाकिस्तान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मित्रों यहां से बात की जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, उसमें कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर रहेगा जैसलमेर। कौन सा रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ जैसलमेर बनाता है। कितनी? 464 किलोमीटर दोस्तों। और सर्व यानी कि सबसे कम कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जिला? बीकानेर। और बीकानेर कितनी है दोस्तों? 168 किलोमीटर। यह आपको दोनों याद रखने। इसके साथ श्रीगंगानगर सीमा बनाता है 210 किलोमीटर, और बात की जाए बाड़मेर की तो 228 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा पर अवस्थित राज्य, जो राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा है उस पर कौन कौन से राज्य स्थित है दोस्तों? कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं हमारे? पंजाब,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब यहां पर हम बात कर ले कि ये पांच राज्य है जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, तो सबसे लंबी कौन से राज्य की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की। किसकी लगती है मित्रों? मध्य प्रदेश की। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। सबसे कम लगती है दोस्तों पंजाब की। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला राज्य है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्य सीमा अभी बताया था मैंने, मध्य प्रदेश। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर अंतर्राज्य सीमा बनाता है दोस्तों। और पंजाब कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा है वह कौन सा है? वो आपका पंजाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा बार आता है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है भारत के राजस्थान दोस्तों। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्य दोनों है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है? कौन सा जिला है दोस्तों? बीकानेर नहीं बनाता, गंगानगर अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पंजाब के साथ भी लगता है और उधर पाकिस्तान के साथ भी लगता है। बाड़मेर है दोस्तों जो गुजरात के साथ भी लगता है और पाकिस्तान के साथ भी लगता है। तो आपका 3 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन सही है, सह व ब दोनों सही। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है दोस्तों। कितना है? प्रथम। लेकिन यह प्रथम स्थान कब आया था? जब मध्य प्रदेश को तोड़ा गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया था। तो यह छत्तीसगढ़ को कब अलग बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में स्थित है? जो राजस्थान राज्य है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अधिकांश बड़े जिले हैं वो कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन एक मरुस्थली क्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय कितने जिले थे? जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था उस समय कितने जिले थे दोस्तों? 26 जिले। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। और दोस्तों जो 2008 तक बढ़कर कितने हो चुके हैं? 33 हो चुके हैं दोस्तों। वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान में? 33 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सही युग्म है सुमेलित उनको बताना है दोस्तों। जोधपुर अनियमित बहुजाकार सुमेलित नहीं है। सिकर अर्धचंद्राकार, सिकर की आकृति अगर आप नक्शे पर देखोगे तो अर्धचंद्राकार आपको दिखाई देगी दोस्तों। जैसलमेर मयूराकार गलत है। करौली बत्काकार यह सही है। करौली की आकृति कैसी है? बत्काकार। तो 2 और 4 नंबर सही है आपका रहेगा, कूट 1 नंबर सही दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका है कि यहां पर कि ऑस्ट्रेलिया के सदृश मयूराकार कौन सा जिला है? मयूराकार यहां पे आपको जैसलमेर बताया ना, मयूराकार कौन सा है आपका? जोधपुर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनियमित बहुभुजाकार कौन सा है? जैसलमेर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े की नाल के सदर से किस जिले की आकृति है? घोड़े की नाल के सदर से किस जिले की है? चित्तौड़ की दोस्तों, याद रखना। और लगभग भारत जैसा नक्शा कौन से जिले का बनता है? बाड़मेर का। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले कितने हैं दोस्तों? कितने हैं? 23 जिले हैं दोस्तों, 23 जिले। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा।
प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, पुस्तक का प्रकाशन किया था 1968 में। वहां पर राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है उनका निर्धारण किया था दोस्त, सबसे पहले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को मुख्य रूप से प्रमुख भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है, कितने विभागों में? चार विभागों में। तीन नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, कौन से? पश्चिमी मरू प्रदेश, अरावली श्रेणी व पहाड़ी प्रदेश, पूर्व बेसिन मैदान और दक्षिणी पूर्वी आड़ोती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान के मरु प्रदेश का क्षेत्रफल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का जो मरु प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 175,000 वर्ग किलोमीटर, याद रखना दोस्तों। अब यहां पे बात की जाए कि जो थार का मरुस्थल है, मरु प्रदेश है, उसकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है? 640। उत्तर पश्चिम से किधर की ओर? दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर, और दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर, यह याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? किसका माना जाता है? टेतिस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के मरु प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित है? 12 जिले सम्मिलित है दोस्तों, ऑप्शन एक आपका यहां पर सही रहेगा। अब 12 जिले कौन कौन से बता दूं दोस्तों, तो ध्यान से सुन ले, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर और झुंझुनू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कंगारू से गिरी पयाला भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? पयाला भूमि खडीन कहलाती है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा ऋतु में खेतों में पाल बनाकर पानी को रोका जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान, बरखोनाइड्स या बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीज है, एक सीज क्या है? क्या है दोस्तों? अनुदेद्रीय बालू का स्तूप, ऑप्शन एक सही रहेगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहां पर? जैसलमेर जिले के अंदर यह स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक विस्तारित है दोस्तों? दिल्ली से गुजरात तक, ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। यह है जो गुजरात का जो पालनपुर है ना, वहां से शुरू होकर दिल्ली तक है, इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है अरावली की, जिसमें से राजस्थान की अगर पूछ ली जाए तो 550 किलोमीटर बतानी है, 550 जो राजस्थान में उत्तर पूर्व में खेतड़ी से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्म तक विस्तृत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अरावली पर्वत प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? कितनों में दोस्तों? तीन के अंदर, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत माला का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है, अरावली पर्वत माला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है मित्रों? कौन से है में? उदयपुर जिले में। तीन नंबर ऑप्शन आपका यहां पर सही रहेगा। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार वाला जिला अजमेर, ये याद रखना है दोस्तों, अरावली से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ोती का पठार, ऑप्शन एक सही रहेगा यहां पर आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाड़ोती प्रदेश की जलवायु है, हाड़ोती प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु है दोस्तों। 56 बेसिन जिन जिलों में, मैंने पहले बताया था 56 बेसिन से क्वेश्चन आएगा आगे, तो 56 बेसिन है वो कौन कौन से जिलों में है दोस्तों? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में, ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान में मैदानी प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित अनियमित पहाड़ियां कहलाती है, क्या कहलाती है? डांग पहाड़ियां, ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर के चंबल नदी के सारे का क्षेत्र जो कि अत्यधिक कटाव के रूप में कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है भीड़, ऑप्शन एक सही रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? इनमें से
देसूरी व हाथी दर्रे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अजमेर शहर के समानांतर क्रम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? वो है आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ऑप्शन एक सही रहेगा। उदयपुर के उत्तर पश्चिम के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? बोराट का पठार। ऐसे क्वेश्चन है दोनों जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आ रहे हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसमन झील जो उदयपुर के पूर्व में अनियमित धरातल वाला विच्छेदित एवं कटापटा पठार है वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है लसाड़िया का पठार, ऑप्शन एक सही रहेगा। जैसमन झील कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर के चारों ओर तस्तुरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। दो नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाकर के नाम से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बाड़मेर तथा जालौर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों से बनी गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है, बाड़मेर और जालौर में बात हो रही है यहां पे, तो उनको कहा जाता है छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरावली के जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश जो वर्ष भर हरा भरा रहता है को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देश हरो कहा जाता है, ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, बाड़मेर जालौर व पाली जिले का क्षेत्र जो लूनी व उसकी सहायक नदियों का अपोहा क्षेत्र है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोड़वाड़ क्षेत्र, ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य में चट्टानी मरुस्थल बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का प्रसार पाया जाता है कौन कौन से जिलों के अंदर? चट्टानी मरुस्थल की बात हो रही है यहां पे मित्रों, तो चट्टानी मरुस्थल जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर इन तीन जिलों में पाया जाता है, सीकर गंगानगर में नहीं है, तो आपका ऑप्शन रहेगा तीन नंबर, एक दो तीन सही। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है, कौन सा जिला है? सीकर जिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे कोट वाले जो आपको बताने हैं दोस्तों। सूची एक में प्राकृतिक प्रदेश है और सूची दो के अंदर आपको राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत उनका बताया गया है, आपको मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान इसका प्रसार कितना है दोस्तों? 61%, ऑप्शन चार आपका यहां पे सही रहेगा। दूसरे की हम बात करें कि पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान 23%, सही है। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% और दक्षिणी पूर्वी पठारी 7%, तो सही यहां पे रहेगा आपका चार दो एक और तीन। कोट में चले तो आपका सही रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्षेत्र और राज्य की कुल जनसंख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसको सुमेलित करना है। पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली भाग के अंदर जो 61% है वहां पर जो राज्य की जनसंख्या 40% निवास करती है दोस्तों। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश जो 9% है उसके अंदर 10% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की, पूर्वी मैदानी भाग जो कितना प्रतिशत था दोस्तों? पूर्वी मैदानी भाग जो 23% था वहां 39% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग इसके अंदर 11%, कितने प्रतिशत? 11%, सही रहेगा आपका 4, 3, 1 और 2, यहां पे सही ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उड़िया पठार यानी कि
आपको पठार दिए गए हैं और उनकी जगह बताई गई है, तो आपको सुमेलित करके सही आंसर का यहाँ पे चयन करना है दोस्तों। सबसे पहले आया हमारे उड़िया पठार। उड़िया पठार, उड़िया पठार है दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। ऑप्शन तीन यहां पे सही रहेगा। बात करते हैं दोस्तों दो नंबर भाकर की। भाकर, भाकर क्या है दोस्तों? पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली वे उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है। बात करें उपरमाल, उपरमाल चित्तौड़गढ़ के बेंसरोडगढ़ से बीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसको उपरमाल के नाम से जाना जाता है। ग्रीवा जो हमने पहले भी देख लिया है, उदयपुर नगर के चारों ओर जो तस्तुरी नमा आकृतियां हैं उनको, जो पहाड़ी है उनको क्या कहा जाता है? ग्रीवा कहा जाता है। यहां पर रहेगा 3241, 3241 सही, तो कोट का सही प्रयोग करें, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सुमेलित करना है। सबसे पहले आया श्रीगंगानगर। कौन सा आया? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 210 किलोमीटर। बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर की कितनी है मित्रों? 168 किलोमीटर। बात करें जैसलमेर की, 464 किलोमीटर। बाड़मेर 228 किलोमीटर। तो सही रहेगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, संलग्न यानी साथ में जुड़े हुए जिले कौन से हैं? सिरोही, पाली, नागौर। सिरोही, पाली, नागौर, ये तीनों साथ में जुड़े हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं मित्रों, यहां पे दो राज्यों के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला राज्य यहां पे बताना है दोस्तों। सूची एक है जिसके अंदर आपको दो राज्यों के साथ अंतर्राज्य और दूसरा है राज्य सीमा बनाने वाला राज्य। हनुमानगढ़ कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? पंजाब और हरियाणा के साथ। दूसरा भरतपुर, भरतपुर किन किन के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर, धौलपुर किन के? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो यहां पे देखिए 3, 1, 4, 2 सही रहेगा ए ऑप्शन आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। सबसे पहले क्या पूछा है आपको? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला है दोस्तों, तो एक का हो गया 4। दो नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला, बी का हो गया 3। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है मित्रों? जयपुर, तो सी का हो गया आपके 1 और डी का हो जाएगा आपके 2। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर। सही ऑप्शन की अगर हम यहां पे बात करें तो आपके ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, 67 है। निम्न में से असंगत को छांटिए, इनमें से जो असंगत है उसको आपको छांटना है। पहला है, राजस्थान के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है, यह तो सही है, संगत है। राज्य के पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 20070 किलोमीटर है, गलत है, 1070 किलोमीटर है, तो असंगत कौन सा हो गया? 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से असंगत को छांटिए, यहां पर भी असंगत को छांटना है। देखिए, उदयपुर क्षेत्र में तस्तुरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरुआ कहते हैं, सही है। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है, यह भी सही है दोस्तों। सीकर जिले की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में, स्थानीय नाम सुंधा की पहाड़ियां हैं, यह गलत है, ऑप्शन 3 आपका यहां पर असंगत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से असत्य को छांटिए, यहां पे असत्य कौन सा है उसको छांटना है। चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी का पठारी भाग मेसा का पठार नाम से जाना जाता है, सत्य है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा व जालरा पाटन के बीच स्थित है, यह भी सत्य है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह भी सही है। बहुत सारे साथी 1727 बताते हैं, तो ऊपर बना हुआ मंदिर की 5 मीटर की
अगर ऊंचाई जोड़ ली जाए तो 1727 मीटर हो जाती है। दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो 1722 मीटर ऊंचा है। गलत बात है दोस्तों, ये चार नंबर ऑप्शन है जो असत्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? हिंदूमल कोट, गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन आपका एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है? इनमें से पश्चिमी मरु प्रदेश है उसका अंग कौन सा नहीं है? दोस्तों विंध्यन कंगार भूमि, यह नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से? माही नदी से संबंध है छप्पन के मैदान का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन, जो प्रतापगढ़ है उसका गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? दोस्तों कौन कौन से जिले? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अरावली की पहाड़ियां और उनकी ऊंचाई मीटर में सुमेलित आपको यहां पे करना है। दोस्तों पहली है बाबाई, बाबाई की ऊंचाई की बात की जाए तो 1780 मीटर है। दोस्तों दो नंबर पर हम अगर बात करें तो दो नंबर पर तारागढ़ 873 मीटर। दोस्तों तीन नंबर पर सायरा 900 मीटर, रोजा बाकर 730 मीटर। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा भौतिक विभाजक है? दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों यहां पर हमने 75 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं। एक बार कमेंट आपका इसलिए आवश्यक है क्योंकि 75 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट करके बता दें। अगर पसंद आए हैं तो राजस्थान के हर मित्र तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आप सभी मेरे साथियों का है। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।